चल क्यों ला हुई और क्यों ला भी है गई राख, और मैं दुखिया ऐसी जली, ए मां क्यों ला हुई राख। कहते हैं कि अगर सच्ची आत्मान से रोगे ना तो काली आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ये एक पत्थर की मूर्त है, हम इसे पूजते हैं, ये पत्थर की मूर्ति तो है। कहने लगी मां मैं जर करके लकड़ी क्योला बन चुकी हूं, ये संसार नंद जिठानी मुझे बांझ कहने लगी है, तू तो आ जा और ये बता दे कि तू मेरी मां है। वो बच्चा क्या कहने लगा, बोली सच्चे दरबार की बता दे मैं खुद ही आकर कि तू मेरी मां है। 5 साल का वो बच्चा इस पत्थर की मूरत से रो रो कर कहने लगा, रही माँ तू आ जा और ये बता दे संसार को कि तू मेरी माँ है। आइए किस तरह से कहने लगा, बता दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है, बता दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है, अरे बता दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है, बता दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है। ओ माँ ओ मेरी माँ, ओ माँ ओ मेरी खाली नहीं जाती, भगवान से भी इसकी बात टाली नहीं जाती। 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, और जब शादी हो जाती है उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। जय जय जय। क्या कहने लगा वो बच्चा पहली लाइन में माँ से रो रो कर, दिखा दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है, दिखा दे मैं खुद ही आकर तू मेरी माँ है, ओ माँ ओ मेरी माँ, ओ माँ ओ मेरी माँ, आजा माँ आजा माँ आजा माँ आजा माँ। और कहने लगा जिसको किसे जन्म लिया कब को कि नहीं तेरी, जिसको किसे जन्म लिया कब को कि नहीं तेरी, जिसको किसे जन्म लिया कब को कि नहीं तेरी, जिसको किसे जन्म लिया कब को कि नहीं तेरी, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है, तू माँ होकर सुनती रहती है, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है। और दिखा दे मैं बेटे में होती माँ की जान है, दिखा दे मैं बेटे में होती माँ की जान है, ओ माँ ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ, आजमा 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 आजमा। जो माँ होती है पहला गुरु होती है,
बच्चे पर 5 साल का जब छोटा बच्चा होता उसे चलना भी नहीं आती, माँ बाप उसे चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते, वो अनजान है, उसे ये नहीं पता कि कैसे मैं चलूंगा और क्या कहने लगा है। ओ तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ओ मेता केरी आंचल में पला, मेता केरी आंचल में पला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। सुबह का टाइम हुआ, ज्वाला जी दरबार पर जब भक्त पूजा करने के लिए गए तो उस बच्चे से कहने लगे, क्या तेरी माँ कहाँ है जिसने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इधर छोड़ गई, तेरी माँ कहाँ है, क्या तू अनाथ है। एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब किसी बच्चे से अगर आप अनाथ कहोगे तो कितना जोर पड़ता है, जोर पड़ता है या नहीं पड़ता है? जितनी भी माता बहने बैठी है सही बताना, अगर किसी बहन जी से ये कह दी जाए कि तू बांझ है तो बड़ा जोर पड़ता है, अगर किसी बेटे से ये कह दी जाए कि तू अनाथ है उससे पूछो क्या गुजरती है उससे और क्या कहने लगे। सारी दुनिया मुझे माँ अनाथ क्यों कहती है, 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 तू माँ तू माँ तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है, तू माँ होकर मेरी चुप सुनती रहती है। दिखा दे बेटे में होती माँ की जान, दिखा दे बेटे में होती माँ की जान है, ओ माँ ओ मेरी माँ, ओ माँ ओ मेरी माँ, ओ जा आजा माँ और कहने लगा है, वो जिनके सपने हमें रोज आने लगे गुनगुनाने लगे, ये बता दो कहीं माँ वही तो नहीं, जिनके सपने हमें रोज आते रहे गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं माँ वही तो नहीं, तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा और न कोई, अरे तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुम सा और न कोई, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई, तेरी तुलना किसी से करूँगा तो बेसा और कोई। Thank you.
जब उस बच्चे को भूख लग जाती है तो कहने लगता है कि माँ आज किसी ने यह भी नहीं पूछा कि बेटा तूने कुछ खाया या नहीं खाया। जब तक बच्चा रोता नहीं है जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, वो भी देख लेती है कि बच्चा खेल रहा है तो दूध नहीं पिलाएगी, और जब बच्चा रोने लग जाता तो माँ तभी दूध पिलाती है। वो बच्चा क्या कहने लगा है? ओ माँ, ओ माँ, तुझे ढूंढू आज कहाँ? ओ माँ, ओ माँ, तुझे ढूंढू मैं कहाँ? ओ माँ, ओ माँ, तुझे ढूंढू आज कहाँ? ओ माँ, ओ माँ, तुझे ढूंढू मैं कहाँ? तुझे मंदिर मंदिर ढूंढा, तुझे मंदिर मंदिर ढूंढा, तेरा मिलता नहीं निशा। ओ माँ, ओ ढूंढो आज कहाँ? और कहने लगा है, मैं भूखी से बिलकी रहा, मुझे दूध पिला दे माँ। मैं भूख से बिलकी रहा, मुझे दूध पिला दे माँ। मैं भूख से बिलकी रहा, मुझे दूध पिला दे माँ। मैं भूख से बिलकी रहा, मुझे दूध पिला दे माँ। लिया हार, लिया हार, लिया हार में रो रो कर गोदी में बिठा ले माँ। लिया हार में रो रो कर गोदी में उठा ले माँ। और दिखा दे मम्मी ताको छुपाती कहाँ है? दिखा दे मम्मी ताको छुपाती कहाँ है? ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और देखिए, माँ बाप का सहारा एक बेटा होता है, माँ बाप का सहारा एक बेटा होता है, पढ़ा लिख कर उसे बड़ा बना देते। कहते हैं कि जब हम बुढ़ापे के हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनेगा, हमें रोटी के लिए पूछेगा। वही लड़का जब पढ़ लिखे तो माँ बाप की कदर नहीं करता है, एक ही दिन में उसे ट्यूशन पढ़ा देती है। माँ बाप ने कितने दुख झेले उस बेटे के पीछे, आज वही बेटा उन माँ बापों को छोड़कर चला जाता है। और जब माँ नहीं आती है पत्थर की मूरत, जब माँ नहीं आती है पत्थर की मूरत, तो वो बच्चा छोटा सा कहने लगा, रही माँ अगर तू नहीं आई तो ये संसार तेरी पूजा नहीं करेगा, तुझे कोई मानेगा भी नहीं। तो माँ, क्या वो बच्चा माँ से कहने लगा है? सुनिए, सुनो माँ चलता हूँ, सुनो माँ चलता हूँ, छोड़ के मैं तेरा दरबार। सुनो माँ चलता हूँ, छोड़ के मैं तेरा दरबार। बेटे बालों को री मैया, ते बालों को री मैया, तेरा आवाज सुनो माँ चलता हो, छोड़ के मैं तेरा दरबार। सुनो माँ चलता हो, छोड़ के मैं तेरा दरबार। और जब इतना सुना माँ ने तो माँ पत्थर में से प्रकट हो जाती है, बोली ये सच्चे दरबार की। एक पत्थर की मूरत में माँ स्वयं प्रकट हो गई और क्या कहने लगी है उस, जब वो बच्चा चलने लगा, मन बेटा के करके पीछे से पुकार लिया। मन बेटा कह करके पीछे से पुकार लिया, मन बेटा कह करके पीछे से पुकार लिया। मन बेटा कह करके पीछे से पुकार लिया। मुन्ना बेटा, मुन्ना जाता है कहाँ, माँ ने पुचकार लिया। बेटा जाता है कहाँ, माँ ने पुचकार लिया। हे बेटा जाता है कहाँ, माँ ने पुचकार लिया। बेटा जाता है कहाँ,
पुचकार लिया। और रणवीर दोस रसिया बाकी हर पे जाते, रणवीर दोस रसिया बाकी हर पे जाते। ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ।